नमस्ते कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। मीन लग्न के लिए स्पाइसी असेंडेंट के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहे? देखिए थोड़ा पीछे जाते हैं, मार्च में 15 दिन मैंने बताया था आपको कि पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, काम धंधे के लिए अच्छा है, पत्नी के साथ या पति के साथ के ट्यूनिंग के लिए 15 मार्च तक का समय बहुत अच्छा है मैंने बताया था। और 16 मार्च से 1 अप्रैल तक पूरा तनाव ही तनाव आपको देखना है। तनाव में हो सकता है, देखिए मैंने बोला है कि वो जो 16 मार्च से 1 अप्रैल तक का टाइम में मैंने बताया था आपको कि ये वसीयत बनाने का टाइम है, खुद की वसीयत बनाने का टाइम है, या तो पापा से वसीयत की बात करने का टाइम है, तनाव वाला टाइम, आध्यात्म की शरण लेने का टाइम था 1 अप्रैल तक। अब ये जो अप्रैल महीना है ये आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा खुशियों का न्यूज लेकर आने वाला है, बेस्ट बहुत तरीके से ये बेस्ट साबित होगा। इसका हेडिंग लिखा है मैंने रिलीजियस ट्रैवलिंग, हो सकता है कोई आप रिलीजियस ट्रैवलिंग कर ले। और ये 2 अप्रैल से 16 अप्रैल तक कुछ वाहन योग भी दिखाई दे रहा है, शुक्र राहु के साथ लग्न में उच्च का हुआ है, मालवीय योग बना है शुक्र राहु से, शुक्र से अकेले और राहु के साथ है, मतलब पूछने की बात ही नहीं, वाहन योग। बेस्ट टाइम फॉर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है उनके लिए, जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत सितारे बहुत बुलंद है 2 अप्रैल से 16 अप्रैल तक। आप जो पढ़ोगे जो करोगे बहुत आसानी से याद रख पाओगे। अप्रैल महीने को मैं 2 हिस्से में बांट सकता हूँ। 16 अप्रैल तक आपके स्टूडेंट के लिए, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, संतान के संतान, ग्रैंड चिल्ड्रन का कुछ गुड न्यूज आ सकता है। और 16 अप्रैल के बाद 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपके कर्म क्षेत्र पर कोई नया स्टार्ट कर देंगे आप, हो सकता है नया जॉब स्टार्ट कर दो, हो सकता है आपका बॉस कितना भी पर्सन हो, आपका काम है देखिए सात्विक काम, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कामकाज होता है आप लोग का, मतलब जितना ट्रैवलिंग ज्यादा हो सात्विक काम हो, गहू चावल ऐसा चीजों का कामकाज होता है बुधवार। गुरु राशि आपकी सेजिटेरियस, मतलब ये ट्रैवलिंग की हायर एजुकेशन की हाउस की राशि, तो ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड कामकाज, बॉस कैसा भी हो आपको ये अप्रिसिएशन देगा 17 अप्रैल से 30 अप्रैल में, मतलब ये महीना 2 हिस्से में बटेगा। 16 तारीख तक का जो टाइम है वो टू लर्न समथिंग है, कुछ सीखेंगे भी आप, आपके जीवन से कुछ अच्छा चीज सीखेंगे। ऐसे तो इंसान हर चीज सीखता है, बट ये महीने में आपको कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग भी करवा देगा, धर्म कार्य भी करवा देगा आपसे। और इस समय में 2 अप्रैल से 16 अप्रैल में माँ बाप के लिए आपके हाथ से बहुत अच्छा धर्म कार्य होगा, माँ बाप के लिए आप बहुत एक अच्छी संतान साबित होंगे 2 अप्रैल से 16 अप्रैल में। देखिए जो पैसे की शॉर्टेज है ये 6 अप्रैल से 12 मई तक रहेगी, पैसे का शॉर्टेज आप फील करेंगे 6 अप्रैल से 12 मई में। हो सके तो गरीब आदमी कोई भी आपके आजू बाजू पुअर पर्सन, उसको खाना खिला दीजिएगा, भोजन करा दीजिएगा 6 अप्रैल से, आई हैव सेड दैट 12 मई तक, मतलब पैसे का कुछ अजीब सा तनाव भी 14, 15, 16 अप्रैल को आप महसूस करेंगे। और जो बच्चे से आप नाराज है 4 मार्च से 8 मई तक, 4 मार्च से 8 मई तक जो संतान से आपको अचानक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का लाभ भी हो सकता है, बट जो आपके जो संतान है, ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं, मैं चिल्ड्रन की बात कर रहा हूं, बच्चों की, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द ग्रैंड चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया 17 अप्रैल के बाद का 30 अप्रैल तक, बट जो आपके बच्चों से आप थोड़ा परेशानी आप जो झेल रहे हैं उसको किसी न किसी तरीके से लाभ लेना हो तो कुत्ते को खाना खिलाइएगा, डॉग को, और हो सके तो 3 कंबल का दान कर दीजिएगा। अगर जो विंटर सीजन हो और आप महसूस कर रहे हो 4 मार्च से 8 मई में आपको इनसेटिस्फेक्शन होगा आपके बच्चे से, संतान से 4 मार्च से 8 मई तक। देखिए इसको वापस एक बार देख लीजिएगा, इसके हेडिंग को, कार्य जॉब अगर करते हैं आप तो मैंने बताया आपको 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपको आपका बॉस को अप्रिसिएशन देना ही पड़ेगा, आपको शाबाशी देगा आपका बॉस, कुछ सम्मान प्राप्ति की घटना भी होगी, कुछ आपका सम्मान बढ़ेगा 17 अप्रैल से 30 अप्रैल में, बॉस का अप्रिसिएशन मिलेगा, नया जॉब मिल सकता है क्योंकि कर्मस्थान को गुरु देख भी रहा है, नया जॉब भी मिल सकता है। और बिजनेस वाले लोगों के लिए बात करता हूं कि यू कैन स्टार्ट अ न्यू वेंचर, आपका बिजनेस को एक्सपांड करने की सोच रहे हैं, कोई बहुत बड़ी मीटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये भी हो सकेगा। हेल्थ के लिए आपको 18 और 19 केयरफुल रहना है अप्रैल,
18-19 अप्रैल हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। बच्चे से इस दिन में विवाद नहीं करिएगा हो सके तो, और इन दिनों में शिव मंदिर में जाइएगा और जलाभिषेक करिएगा। 5, 5, 6 अप्रैल 18, 19 एंड 23, 24 अप्रैल केयरफुल का मार्क कर दीजिएगा कैलेंडर पर। इन दिनों में रिस्क नहीं लीजिएगा। और संतान से विवाद, जिससे प्यार करते हैं उनसे विवाद भी टालिएगा आप, जिसको प्यार करते हैं। वेरी सेंसिटिव पर्सनालिटी, बात बात में रोज आता है आपका स्पाउस नहीं, लेकिन आप जिससे प्यार करते हैं उसकी बात कर रहा हूं। स्पाउस तो आपका एकदम प्रैक्टिकल व्यवहारिक बजेटिंग करने वाला होशियार पार्टनर है, बजेटिंग करने वाला। हेल्थ के लिए 18-19 अप्रैल केयरफुल। स्टूडेंट के लिए मैंने बोला है कुत्ते को खाना खिलाइएगा, भूलिएगा नहीं, गुड टाइम है, देयर इज नो क्वेश्चन, नॉट द बैड टाइम। बट कहीं भाई प्यार के चक्कर में नहीं पड़ जाइएगा, कोई मुझे प्यार नहीं करता उसके चक्कर में नहीं पड़िएगा। स्टूडेंट को मैंने बताया कुत्ते को खाना खिलाइएगा, 3 कंबल का हो सके तो दान करिएगा, और 3 कंबल का पैसा नहीं है तो 3 केला गुरु मंदिर में रख के आइएगा, 3 बनाना। कोई भी गुरु का मंदिर हो, गुरुदत्त का हो, या किसी गुरु का बैठक हो या आश्रम जैसा हो, वहां 3 केले रख दीजिएगा। स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम ही है, नॉट टू वरी एट ऑल। प्यार करते हैं उनके लिए 7 अप्रैल बेस्ट है। आपके लग्न में चंद्र शुक्र फर्स्ट क्लास उच्च का शुक्र के साथ चंद्र आ जाएगा पंचमेश, आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो 7 अप्रैल बेस्ट है। विवाह के लिए वक्त है, सो आई सेड नो। विवाह के लिए अभी मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कोई विवाह का योग है या बात चलेगी, वो भी संभावना कम दिखाई दे रही। शेयर मार्केट के लिए 16 अप्रैल से आगे का टाइम, 16 अप्रैल तक टू लर्न है। 16 अप्रैल के दिन की ही बात कर रहा हूं मैं, 16 अप्रैल टू लर्न समथिंग, कुछ नया सीखेंगे आप 16 अप्रैल के। 1 अप्रैल फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट, कुछ और इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप पैसा, तो 1 अप्रैल आपके लिए ऐसे तो 28 मार्च से 1 अप्रैल फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, 28 मार्च, 29 मार्च एंड 1 अप्रैल विल बी फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट बेस्ट। और फाइनेंस के लिए बेस्ट है 14, 15 और 16। अब 14 के दिन संडे है, शेयर मार्केट वाले लोग फिर कमेंट लिख देते हैं, बट अच्छे दिन है ये 14, 15 एंड 16। कुछ शेयर बेच के बाहर निकल जाना हो तो 15-16 अच्छा है, 14 भी अगर किसी से पैसा उधार उधार मांगना हो तो 14, 15 एंड 16 अप्रैल इज द बेस्ट। इन शॉर्ट देखिए ये जो तारीख है केयरफुल का, 5 और 6 अप्रैल एक्सपेंसिव है, 18, 19 अप्रैल इज ए हेल्थ के लिए केयरफुल रहने की जरूरत है, और 23, 24 अप्रैल थोड़ा स्ट्रेस रहेगा आपको। अब इसको, इन दिनों को बचने के लिए शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ पानी से पट जाए ऐसा भगवान शिव भोलानाथ, पानी चढ़ाइएगा शंकर भगवान के मंदिर में। इस महीने में विनायक चतुर्थी है देखिए 12 अप्रैल को और संकष्टी है 27 अप्रैल को। गणेश मंदिर में जाइएगा, हो सके तो कुछ प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट है जरूर करिएगा 12 अप्रैल एंड 27 अप्रैल को, विनायक चतुर्थी और संकष्टी। गणेश मंदिर में जाके लड्डू का भोग लगा सकते हैं, गाय को गुड़ खिला सकते हैं, प्रॉपर्टी का कार्य रुका हुआ है तो। 6 अप्रैल और 21 अप्रैल ये प्रदोष है और यहां ही वो तारीख है, शंकर भगवान के मंदिर में जाइएगा, प्रदोष है 21 अप्रैल एंड 6 अप्रैल। आपके संतान के विषय में अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं तो ये दिनों का इस्तेमाल करिएगा, आपको 100% लाभ होगा। रुद्राभिषेक करा दीजिएगा हो सके तो 6 अप्रैल एंड 21 अप्रैल। इस महीने में 8 अप्रैल को अमावस है, सोमवती अमावस है। इस दिन में देखिए आपका सूर्य राहु का युति आपके लग्न में हुआ है, सूर्य यानी आपकी प्रतिष्ठा और राहु माने राक्षस। 14 मार्च से 12 अप्रैल में आपकी ऐसा लगेगा देखिए शत्रु आपके सर पे बैठा है राहु साथ में। अमावस के दिन कम से कम 11 किलो गेहूं, 11 केजी वीट, उसका आटा होगा तो भी चलेगा, दाना होगा तो भी चलेगा, ये किसी शिव मंदिर में रख दीजिएगा। 8 अप्रैल को अमावस के दिन शिव मंदिर में रख देंगे तो अच्छा है, ये किसी भी अमावस के दिन रख दोगे तो भी अच्छा है, क्योंकि ये सूर्य राहु का ग्रहण योग, सूर्य माने देखिए सूर्य सिंह राशि का स्वामी और सिंह राशि नॉलेज से भी काम कनेक्टेड है, संतान से भी कनेक्टेड, और ये संतान स्थान का स्वामी मान के चलिएगा। देखिए ये
सिंह राशि को संतान से पांचवी स्थान का, आपके तो शत्रु स्थान का भी है स्वामी, और ये लग्न में है तो ये 11 केलू की केजी 11 केजी गेहूं, शत्रु पीड़ा है, नौकरी में कहीं अपमानित सिचुएशन में आप फंसे, शाबाशी तो आपको देना ही पड़ेगा, 17 अप्रैल से 30 अप्रैल में आपके बॉस को आपको अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा, बट ये करिएगा 11 केजी गेहूं। इस महीने में क्षेत्रीय नवरात्रि प्रारंभ होगा, अपना नया साल है हिंदू न्यू ईयर, 9 अप्रैल गुड़ी पाड़वा, न्यू ईयर हिंदू न्यू ईयर गुड़ी पाड़वा। और यहां मेष राशि में सूर्य होता है, सायन सूर्य की बात, ये सायन सूर्य से वो गणित है, क्षेत्रीय नवरात्रि प्रारंभ 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक, और शुक्र राहु का भी युति हुआ है। छोटी छोटी कन्या को फ्रॉम 9 अप्रैल टू 17 अप्रैल घर पे बुलाइएगा, पैर पे तिलक करिएगा, फोरहेड पे तिलक करिएगा, आप जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में गुजरे हैं 16 मार्च से 1 अप्रैल एकदम स्ट्रेस रहेगा, पैसा जाने वाला, ये बात भी समझ लीजिएगा, पैसे को आप रोक नहीं सकेंगे, 6 अप्रैल टू 12 मई में पैसा जाएगा, पैसे के लिए थोड़ा अपमानित भी होना पड़ेगा आपको 6 अप्रैल से 12 मई में, बट देर विल बी द पॉजिटिव वे। क्षेत्रीय नवरात्रि में मैंने बोला ऐसा कन्या भोजन कराइएगा और यथाशक्ति गिफ्ट करिएगा, 9 लड़की हो तो बहुत अच्छा है, 11 हो, 9 हो, 7 हो, बहुत अच्छा है। इस महीने में रामनवमी है 17 अप्रैल को, बर्थडे है राम का, और ये हनुमान जी का जन्मदिन 23 अप्रैल, दोनों की कुंडली में सूर्य मेष राशि में विराजमान, 13 अप्रैल से सूर्य उच्च का होता है, मेष राशि का सूर्य यानी कि उच्च का सूर्य भगवान रामचंद्र जी के कर्मस्थान में, कर्क लग्न है और मेष राशि का सूर्य कर्मस्थान, और राजा जैसा फिर राम जैसा राजा फिर नहीं आया। सो रामनवमी 17 अप्रैल, इस महीने में देखिए लॉर्ड ऑफ द फोर्थ एंड लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ आपका वक्री भी है 2 अप्रैल से 24 अप्रैल तक और 5 अप्रैल से 21 अप्रैल तक अस्त भी, यानी कि मैरिज लाइफ में कहीं नजर लगी हुई ऐसा सिचुएशन केतु के कारण। हाथ में रुद्राक्ष पहनते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप गले में रुद्राक्ष पहनते हैं बहुत अच्छा है, और मैंने इस बार आपको बताया भी कि जो दोज हु आर स्टूडेंट उनके लिए भी मैंने यही बोला है कि थोड़ा कुत्ते को हो सके अपना यथाशक्ति खाना खिलाइएगा कुत्ते को एनी वेनेसडे, और 4 मार्च से 8 मई तक स्टूडेंट के लिए भी बोल रहा हूं, अपनी खुद की एजुकेशन के लिए, और अगर आप ऑलरेडी छोड़ चुके एजुकेशन तो आपके बच्चे के लिए इस महीने में केयरफुल रहने की तारीख बताया मैंने, ये चंद्र शुक्र की युति प्रतियुति की तारीख है जो रोमांटिक दिन गिने जाते हैं, और ये गज केसरी योग की तारीख है, मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। अब देखें शुक्र आपके ऑलरेडी लग्न में है, ये वाहन योग देगा, रोमांटिक नेचर देगा आपका, प्रपोज करने के लिए भी बढ़िया टाइम चल रहा है, शुक्र बहुत जगह पे आपको बचाता भी रहेगा, बट ये षष्ठेश और अष्टमेश है, देखिए सूर्य और शुक्र ये दोनों आपके लग्न में, तनाव तो रहेगा, मैंने बोला 11 केजी गेहूं किसी शिव मंदिर में रख दीजिएगा, ये उपाय जो मैंने बोला उसमें से करते रहिएगा, जो भी आपके बस की बात है उसको। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा, जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।